न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। पोड़ाहाट जंगल में आज सुबह नक्सली संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप और जोनल कमांडर जिदन गुड़िया के दस्ते से जिला पुलिस और CRPF 60 के बटालियन के जवानों की मुठभेड़ हुई। आधे घंटे तक दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलियां चली, जिसमें किसी जवान को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन PLFI सुप्रीमो और जोनल कमांडर की किस्मत अच्छी थी कि वे दोनों दस्ते के अन्य सदस्यों के साथ भाग निकलने में सफल रहे। उग्रवादियों के फायरिंग के जवान में जिस तरह सुरक्षा बलों अंधाधुन फायरिंग की, उससे उग्रवादियों का हौसला आधे घंटे में ही दम तोड़ दिया और सारा सामान छोड़कर भाग गए। उसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। घटनास्थल पर PLFI उग्रवादियों का काफी सामान बरामद हुआ है। बरामद 4 बाइक में एक रॉयल बुलेट भी शामिल है, 105 जिंदा गोली, मैगजीन कवर, 5 स्मार्टफोन, 1 कीपैड फोन, 16 सिम कार्ड, फोन चार्जर, पावर बैंक है, 7 पिट्टू, दवाइयाँ, दैनिक उपयोग में शामिल सामग्री, ड्राई फ्रूट, PLFI के रसीद और साहित्य बरामद किया गया है। मुठभेड़ के बाद SP इंद्रजीत माथा ने कहा कि PLFI आरीफारी कैंप का विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों को डरा धमका कर कैंप हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिससे ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों के साथ PLFI उग्रवादी मारपीट कर घायल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं होने देगी। एक भी ग्रामीण के साथ मारपीट को उग्रवादियों को इसी तरह खदेड़ कर मारेंगे। आज सुबह चाईबासा पुलिस और CRPF 60 की संयुक्त टीम का PLFI के उग्रवादियों के साथ बनगांव थाना अंतर्गत कमरोरा के जंगल में एनकाउंटर हुआ। कई राउंड गोलियां चली। PLFI की जो टीम थी वो जिदन गुड़िया, दिनेश गोप, सनीचर सुरुन, ये सारे लोग थे। और सर्च के दौरान भारी संख्या में गोलियां, जैसे 107 जिंदा राउंड मिले हैं, 4 बाइक मिले हैं, जिसमें दिनेश गोप का जो है रॉयल इनफील्ड बुलेट भी मिला है। इसके अलावा काफ़ी नक्सली साहित्य भी है, दैनिक उपयोग के सामान हैं, मोबाइल मिले हैं, सिम्स बहुत सारे हैं, 15 के लगभग, मोबाइल चार्जर है, पावर बैंक है। इसके अलावा जो दैनिक उपयोग के लिए जो सीट्स होती हैं वो भी हैं। पिछले 2 दिन पहले जब कोंजल गांव में ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी PLFI ने आरी पीढ़ी कैंप को हटाने को लेकर, तो उसके पश्चात हम लोगों ने लगातार उसका सूचना का पीछा किया था और इसी आधार पर जो है आज हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। मैं आपको जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चाईबासा पुलिस जो है पूरी तरह से जन सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अगर जनता को कोई भी व्यक्ति या संगठन दुख पहुंचाएगा या उसको क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, जंगलों में घुस के पीछा करेंगे और हम उनको सुरक्षा देने के लिए, जनता को सुरक्षा देने के लिए हम लोग मुठभेड़ से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कानून का पालन करते हुए जंगल के अंदर जाकर ऐसे संविधान विरोधी नक्सल जो संगठन है उनके खिलाफ कार्रवाई हमारी जारी रहेगी, अभियान हमारा जारी रहेगा। पूरी दुनिया में पांव पसार चुके COVID-19 ने लॉकडाउन के 1.5 महीने बाद कोल्हान प्रमंडल में भी कदम रख दिया है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में 2 कोरोना पॉजिटिव छात्र मिले हैं। कोल्हान प्रमंडल का यह पहला मामला है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया है कि चाकुलिया क्षेत्र में एक पुरुष और एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे क्षेत्र को सील भी कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव केस की जानकारी लोगों को जैसे ही मिली हर तरफ सनसनी फैल गई है। चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 के जुगीपाड़ा की एक छात्रा और वार्ड नंबर 7 के पुराना बाजार के एक छात्र का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। आज सुबह प्रशासन द्वारा बाजार के गली मोहल्लों के सड़कों को बांस बांधकर सील कर दिया गया। चाकुलिया बाजार में सभी दुकानों के बंद होने के कारण सन्नाटा पसर गया है। बताया जा रहा है कि दोनों विद्यार्थी 8 मई को कोलकाता से चाकुलिया पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। मंगलवार की सुबह दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन की टीम दोनों विद्यार्थियों समेत
13 लोगों को जमशेदपुर ले आई। जमशेदपुर के टेमत अस्पताल में दोनों विद्यार्थियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी टेमस में भर्ती कराया गया है। इकट्ठा कर रही है और उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि इनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए होंगे। उनके अंदर इन्फ्लुएंजा और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स हैं उसकी भी जांच की जा रही है, साथ ही साथ उनका सैंपल भी लिया जा रहा है। और इस प्रकार से ये प्रयास है कि जो भी अन्य संभावित संक्रमित व्यक्ति हों उनको तत्काल चिन्हित किया जा सके, उनको आइसोलेट किया जा सके और उनको ट्रीट किया जा सके। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के रिस्पेक्ट में जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्शंस हैं उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग का काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। इसके अगले चरण में एक कंट्रोल रूम का गठन किया गया है, जिस कंट्रोल रूम के माध्यम से वॉलंटियर्स के द्वारा जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी और कंटेनमेंट जोन से रिलेटेड बफर जोन से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो चकुलिया में दो पॉजिटिव पेशेंट्स हम लोग को कल सामने आए हैं, तो कल रात में ही पूरा प्रशासन इसमें मुस्तैद से काम किए, हम लोगों को जो है टीएमएच हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया है। और जो टोटल कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के हम लोग टोटल करीब 1400 से 1500 आसपास परिवार है, तो उसी में अभी प्रशासन के द्वारा अच्छे पहल करके उन्होंने वर्कआउट कर लिया गया है। तो इस एरिया में हम लोग पूरा जगह पर बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, करीब 6-7 जगह पर हम लोग बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, लोगों को आना जाना का एंट्री हम लोग बंद कर दे रहे हैं। और घर में जो भी यहाँ पर है उन लोगों के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो यहाँ वॉलंटियर के द्वारा दिया जाएगा। एक कंट्रोल रूम जिला प्रशासन द्वारा हम लोग उसमें ये करा रहे हैं ताकि इन लोगों को जो जो जरूरत पड़ेगा, दवाई से लेके बहुत सारा सामान जो भी है वो सब हम लोग को अपना खुद से वॉलंटियर के माध्यम से मुहैया कराएंगे। सर, किस तरह से पुलिस बल यहाँ पे तैनात की गई है? तो इसमें हम लोगों को टोटल 7 पिकेट में 24 घंटे 3 पाली में हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं, ड्रॉप किट के साथ है। इसमें किसी भी आदमी जाने के लिए भर्जित है, एक्सेप्ट जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं और जो सरकार वाला जो काम करने वाला है, जो वॉलंटियर है उन्हीं लोगों को जा सकते हैं, बाकी कोई पब्लिक को यहाँ पर मूवमेंट अलाउ नहीं है। और सभी चेक पोस्ट में, जो बैरिकेडिंग चेक पोस्ट में हम लोगों को 24 घंटे पुलिस रहेगी, तब तक मतलब वो संतुष्ट नहीं है, किसी पब्लिक को हम लोग जाने नहीं देंगे। लॉकडाउन के कारण जिले में मुख्यमंत्री दीदी किचन केंद्र का संचालन किया जा रहा है। चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा ने क्षेत्र में चल रहे इन दीदी किचन केंद्रों का निरीक्षण किया। मटकम हाथों में चल रहे मुख्यमंत्री दीदी किचन केंद्र का निरीक्षण के दौरान विधायक ने यह जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। जब विधायक पहुंचे उस समय केंद्र में बुजुर्गों और बच्चों को भोजन कराया जा रहा था। केंद्र की व्यवस्था पर विधायक ने संतोष जताया। उन्होंने केंद्र का संचालन कर रही मटकम हाथों आजीविका महिला ग्राम संगठन को निरंतर यह योजना चलाने को कहा। किसी भी तरह की कठिनाई होने पर तत्काल सूचित करने का निर्देश दिया। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री दीदी किचन का लाभ जरूरतमंद लोगों को बिना रुकावट मिलना चाहिए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने राशन कार्ड नहीं होने की समस्या विधायक को बताई। इस पर विधायक ने बिना राशन कार्ड वालों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी को राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड राज्य के ग्रीन और ऑरेंज जोन को लॉकडाउन की अवधि में रियायत देने की मांग को लेकर चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष नितिन प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल को एक ज्ञापन सौंपा। चाईबासा चेंबर की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम सौंपे ज्ञापन में ग्रीन और ऑरेंज जोन में रियायत देने, इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण करने, दुकानों को 50% कामगार के साथ संचालन करने की मांग की है। चेंबर के अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने कहा कि बीते 10 वर्षों से जिले में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का प्रयास चाईबासा चेंबर की ओर से की जा रही है। कोविड-19 में पूरे देश में लगे लॉकडाउन की वजह से जिला के प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौट आए हैं। यदि सरकार द्वारा इस जिले में इंडस्ट्रियल पार्क की व्यवस्था की जाती है तो मजदूरों को रोजगार की तलाश में दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान संचालित दुकानों में 50% कामगार के साथ काम करने की अनुमति है। ऐसे में सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं होने पर सारा दोष व्यवसायियों पर मढ़ा जाता है, जबकि इसका उल्लंघन होने पर ग्राहक पर भी कार्रवाई किया जाना चाहिए। का लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि व्यापारी वर्ग बहुत ही त्रस्त है।
आज लगभग 50 दिन से ऊपर हो चुका है लॉकडाउन का और व्यापारी वर्ग दुकानें बंद पड़ी हुई है, तो यह भी अनुरोध किया गया कि दुकान की साफ सफाई के लिए भी उपायुक्त महोदय द्वारा कुछ समय दिया जाए। तो साथ ही हम लोगों ने यह भी कहा है कि इस लॉकडाउन की अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग का भार सिर्फ व्यापारी वर्ग पे ही क्यों डाला जा रहा है। व्यापारी वर्ग अपने 50% क्षमता स्टाफ की क्षमता के साथ दुकानदारी कर रहा है और बाहर में जो भी लॉकडाउन के नियम के तहत वो अपनी गोल घेरा या फिर रस्सी टांगना या बांस लगाना वो कर रहा है। इसके बाद भी अगर उसकी दुकान पर भीड़ होती है तो दुकानदार पर FIR क्यों किया जाए? इसके लिए उन लोगों को भी दोषी ठहराया जाए जो इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ना कि सिर्फ दुकानदार ही इस पर दोषी हो। उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस पर ये उचित कार्रवाई होगी और जो भी दुकानदार अगर लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग के ये जो मार्क का है गोलाई या फिर बांस लगाना लकड़ी लगाना इस तरह के करेंगे तो वो दुकानदार पर कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही हम लोगों ने ये भी एक मांग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है कि जितने भी दुकानदार हैं या फैक्ट्रियां हैं सब 2 महीने से बंद पड़ी हुई है और जिस तरीके से MHA का ऑर्डर है उसके कामगार भूखे रहे, सभी लोग अपना पैसा देंगे। तो इस तहत जिस तरीके से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में कुछ छूट दी गई है और भी राज्यों में छूट दी गई है, उसी के तहत झारखंड में भी जितने भी उद्योग हैं उसे एक विशेष राहत पैकेज सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए ताकि इस 2 महीने में जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थाओं के द्वारा भी आज एक मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे भी दिया गया है, जिला प्रशासन के नाम पे भी दिया गया है। मुख्यतः जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो एड्रेस किया है उसमें यही बिंदु है कि ग्रीन जोन में रिलैक्सेशन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा अनुरोध किया गया है, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट और सभी प्राधिकृत पदाधिकारी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक सोच विचार करके एक अच्छा निर्णय लिया है कि माइग्रेंट का मूवमेंट इतना ज्यादा होने के कारण रिलैक्सेशन इस जिला में लागू नहीं, मतलब इस राज्य में लागू नहीं हो 17 तारीख तक। तो इसको पुनः एक बार विजिट करने के लिए कुछ और अनुरोध चैम्बर के द्वारा किया गया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को हम लोग उसको अग्रेसित करेंगे नियमानुसार। इसी तरह जिला के लिए जो इनका जो मांग था वो विशेषकर किताब दुकान खोलने के संबंध में, अभी चक्रधरपुर जगन्नाथपुर में किताब दुकान खुल रहे हैं, चाईबासा में चूंकि बहुत ज्यादा स्कूल हैं तो स्कूल बुक्स के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का स्टॉल लगाने के लिए अनुमति पूर्व में दिया गया था, अभी ज्यादातर स्कूल किताब जो खरीदने वाले हैं वो खरीद लिए हैं, इसीलिए उनके द्वारा बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन स्ट्रिक्टली करेंगे, तो इसी शर्त पे जरूर हम लोग किताब दुकान को भी चाईबासा अनुमंडल में खोलने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसी तरह जो 7 से 7 बजे का जो टाइमलाइन है उसके बारे में भी उनके द्वारा कुछ अनुरोध किया गया कि दूध के संबंध में जो बेचने वालों को टाइम हो या मॉर्निंग में सब्जी बेचने वाले थोड़े जल्दी आ जाते हैं, लेकिन उनको ये समझाया गया कि जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, झारखंड सरकार ने जो इसको जो अनुमोदित किया है उसमें कोई हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, कृपया उसी के अंतर्गत उसी को ध्यान में रखते हुए उनका अपना क्रियाकलाप करें। और इसी के साथ साथ कुछ और भी अन्य दुकान है, जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट दुकान हो या कंस्ट्रक्शन के संबंधित सामग्री हो, वैसे दुकान खोलने के संबंध में भी उनका रिक्वेस्ट आया था, जबकि उनको बताया गया कि जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है रिलैक्सेशन में जो सेकेंड रिलैक्सेशन के अनुसार उनको ब्रिक्स और मोर्टार संबंधित सामग्री बेचने के लिए परमिशन है, तो किसी भी परिस्थिति में दुकान नहीं खोलते हुए अगर डोर डिलीवरी रूम डिलीवरी या कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर डिलीवरी अगर करते हैं तो क्योंकि निर्माण कार्य भारत सरकार के द्वारा अलाउ किया गया है तो वैसी स्थिति में वो कर सकते हैं, परंतु वैसे दुकान सीमेंट का दुकान ये सब दुकान खोलना बिल्कुल मना है, इसके बारे में उनको अवगत कराया गया है। झारखंड ने तंबाकू से संबंधित उत्पाद की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार की रात में पुलिस ने शहर के SPG मिशन कंपाउंड के पीछे और न्यू कॉलोनी छोटा निमडी में छापामारी की। इस दौरान बिक्री के लिए छुपाकर रखा गया करीब 35 किलो तंबाकू उत्पाद बरामद किया गया। अवैध तरीके से भंडारण के आरोप में रितेश कुमार साव, नितेश कुमार साव और विशाल कुमार साव के खिलाफ
सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है। सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से पत्रकारों को भी कोरोना वॉरियर्स मानते हुए बीमा, आर्थिक पैकेज सहित अन्य सुविधा देने की मांग की है। एसोसिएशन ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव को ज्ञापन सौंपा। सौंपे ज्ञापन में कोविड 19 से संक्रमण जैसे आपदा काल में चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, सरकारी अधिकारियों और अन्य कर्मी की तरह पत्रकारों को भी जरूरी सूचना के प्रसार जैसे महत्वपूर्ण सेवा में निरंतर सेवारत हैं। सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। बावजूद सरकार पत्रकारों के हित में किसी प्रकार की सुविधा नहीं प्रदान कर रही है। वैश्विक महामारी जैसे आपदा की घड़ी में जोखिम के बीच सेवारत पत्रकारों को अन्य सेवा कर्मियों की तरह 50 लाख का बीमा, मुफ्त स्वास्थ्य जांच और समुचित राहत पैकेज प्रदान करने के लिए सरकार तक बात पहुंचाई जाए। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।